आपका स्वागत है अपना चैनल मैथ मंत्रा 12 पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर एक करने का कोशिश करेंगे, जो पार्ट नंबर एक में आप लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन के तरीके से मिलेगा, लेकिन बेईमान दुकानदार वाला मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग को बार बार एग्जाम में रिपीट में पूछ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं थोड़ा सा इसको बारीकी से देखिएगा। तो पार्ट नंबर एक में जितना भी हम लोग का क्वेश्चन आता है ना, बेईमान दुकानदार वाला यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन में एक हम लोग का क्वेश्चन पूछता है बेईमान दुकानदार वाला, उस टाइप का क्वेश्चन आज का वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो में आप लोग देखिएगा कि जब जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा और ये बात को समझने का कोशिश किया जाए कि जब भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से करने का कोशिश करे और इस टाइप का क्वेश्चन करेगा तो कैसे हम लोग बना पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला जो आप लोग स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु एक केजी के स्थान पर, परंतु एक केजी के स्थान पर वह 850 ग्राम तोलता है, यानी कि वह एक केजी के स्थान पर 850 ग्राम तोलता है। अब कह रहा है तो बताएं कि, तो 850 ग्राम नकली बटकरे का प्रयोग करता है, तो बताएं कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि जो भी दुकानदार हम लोग का जो सामान देता है, तो हम लोग तो इस वजह से ले रहे हैं, हमको ये फीलिंग हो रहा है कि वो दुकानदार जो हमको सामान दे रहा है वो 1000 ग्राम दे रहा है, यानी कि 1 केजी दे रहा है। और किसी भी ग्राहक को ये पता चल जाए कि ये दुकानदार हम लोग से बेईमानी करके 1000 ग्राम के जगह पर 850 ग्राम दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार उसे, कोई भी ग्राहक उसे खरीद नहीं पाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि हम 1000 ग्राम बटकरे का प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि हम 1000 बटकरे का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम बटकरे का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर नकली बटकरे का प्रयोग करके 1000 ग्राम बटकरे के स्थान पर 850 ग्राम तोलता है। तो देखिए ना, जब हम लोग को वो दे रहा है तो हम लोग को पता है, यानी कि हम लोग जान भी रहे हैं कि ये हम लोग को 1000 ग्राम दे रहा है। क्योंकि किसी भी दुकानदार से आप मांगिएगा कि हमको 1 केजी कोई वस्तु दीजिए, तो हम लोग को पता है कि वो 1000 ग्राम दिया होगा। लेकिन वो दुकानदार अंदरे अंदरे क्या कह रहा है, वो दुकानदार अंदरे अंदरे क्या कर रहा है कि 850 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 1000 ग्राम उसको तोलना चाहिए था लेकिन वो तोल रहे 850 ग्राम फिर भी। और वो कह रहा है कि जितना में खरीद के लाए हैं उतने में देंगे, फिर भी प्रश्न में क्या कह रहा है कि वो इतना धूर्त टाइप का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में आपको बेचेंगे। तो हमको ये पता चल रहा है कि चलिए यहाँ पर हमको फायदा हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को आधुनिक रूप से खुशी वाला बातें होगा कि ये व्यक्ति जो सामान दे रहा है हमको खरीदी मूल्य पर दे रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम बटखरे के स्थान पर 850 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है। तो अंदरे अंदर ये कितना ग्राम का फायदा कमा रहा है, तो अंदरे अंदर ये 150 ग्राम का फायदा कमा रहा है, ठीक है। यानी कि हर तौल में ये 150 ग्राम का, ये 150 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो अब यही पूछ रहा है कि जब ये तौल में 150 ग्राम का फायदा कमा रहा है, तो प्रतिशत में ये कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर 150 ग्राम का, तो ये फायदा कमा रहा है। यहाँ से तुमको पता है कि हर व्यक्ति से 1000 यानी कि 1 किलो के स्थान पर ये 850 ग्राम दे रहा है, तो हर ग्राहक से लाभ के रूप में 850 ग्राम का ये लाभ कमा रहा है, 150 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो 150 ग्राम लाभ कमाते कमाते वो कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो 150 ग्राम का लाभ कमा रहा है 850 ग्राम बेचकर ना, ठीक है। और तब हो जाएगा गुने में 100, यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगा, हई कट जाएगा 5 3 15, हई कटेगा 17 5 85, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 300 बटा में 17। यानी कि वह दुकानदार अंदरे अंदरे जो लाभ कमा रहा है 300 बटा 17% का लाभ कमा रहा है। और जब पूर्णांक में इसको देखा जाएगा तो 17 पूर्णांक 11 बटा 17% का लाभ कमा रहा है,
यानी कि वो दुकानदार को अंदरे अंदरे फायदा हो रहा है, अंदरे अंदरे वो लोग लाभ कमा रहा है, तो 17.1% का लाभ कमा रहा है, 17.11%, ऑप्शन नंबर दिया है सी। ठीक है, यानी इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बार बार करने का कोशिश कर रहा है। तो आज का हम लोग का पार्ट नंबर एक में बेईमान दुकानदार वाला पार्ट नंबर एक और पार्ट नंबर टू दो प्रकार का टाइप है। दोनों प्रकार के टाइप में हम लोग जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा सब बारी बारी से कर लिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला जो आप लोग का स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने चीज को लागत मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने चीज को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 kg के बजाय, यानी कि वह तौल में 1 kg के बजाय 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है, यानी कि जो बटखरा का प्रयोग कर रहा है तो 1000 ग्राम बटखरे के स्थान पर वह केवल 800 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है। तो वो पूछ रहे तो बताइए कि वह दुकानदार को लाभ के रूप में कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार के बात है, यानी कि जब ये दिखा रहा है तो कह रहा है कि जितना में खरीदे हैं ना उतने में आपको दे रहे हैं। तो हम लोग को लग रहा है कि चलिए ना 100 रुपये किलो खरीदा था, एक एक किलो दे रहा है, 100 रुपये हमसे ले रहा है, यानी कि जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वो दुकानदार क्या कर रहा है, वो दुकानदार अंदरे अंदरे 1000 ग्राम बटखरे के स्थान पर 800 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है। 1000 ग्राम बटखरे के स्थान पर 800 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है। तो पूछ रहा है तो बताइए कि वह दुकानदार को प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा है। तो हर ग्राहक से वह 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है का, हर ग्राहक से वह 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो हर ग्राहक से 200 ग्राम फायदा कमा रहा है तो प्रतिशत में लाभ कितना उसका हो रहा है। तो 200 ग्राम का लाभ हुआ कितना ग्राम बेचने पर, 800 ग्राम बेचने पर, गुणे हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, बराबर हो जाएगा 25%। यानी कि इस दुकानदार को जो लाभ हो रहा है बेचते समय जो ये लाभ कमा रहा है हर वस्तु पर 25% का लाभ कमा रहा है। यानी कि हर कोई बेचने के बाद लाभ के रूप में पैसा लेकर जाता है, तो ये लाभ के रूप में हर ग्राहक से 200 ग्राम वस्तु बचा रहा है। तो यही 200 ग्राम वस्तु बचाते बचाते प्रतिशत में कितना बचा रहा है, तो प्रतिशत में 25% बचा रहा है। तो अब प्रश्न को एक और बात को समझिएगा, जब हमारे पास लाभ तथा हानि वो वस्तु के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाए, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु हमको लाभ में मिल रहा है, चाहे वस्तु के बदले वस्तु हमको हानि हो रहा है, तो बाटा में हम लोग जितना वस्तु बेचे हैं ना तो वस्तु का विक्रय मूल्य लिखते हैं कि कितना वस्तु बेचा जा रहा है तब हमको, यानी कि 200 ग्राम वस्तु हमको बचा कितना ग्राम बेचने पर, 800 ग्राम बेचने पर। तो यहाँ पर निर्धारित हम लोग जब भी करेंगे कि कितना वस्तु बेचा गया है उस पर हमारा लाभ और हानि डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 kg बटखरे के स्थान पर वह जो व्यक्ति है अब 1 kg बटखरे के स्थान पर 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग करता है। यानी कि 1000 ग्राम बटखरे का प्रयोग करना चाहिए था, यानी कि 1 kg बटखरे का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, अंदरे अंदरे 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है। लेकिन हम लोगों का लगेगा कि ये तो व्यक्ति 1 kg हम खरीदने आए हैं, 1 किलो हम लेकर जा रहे हैं, उसका गलत बटखरा थोड़े हमको पता चलेगा। लेकिन वो क्या किया, दिखाने के लिए दिखा रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं चाहे 1 kg दे रहे हैं, लेकिन 1 kg के स्थान पर वो 900 ग्राम तौलते हैं।
यानी कि 1000 ग्राम के वजह पे 1000 की जगह पर वो 900 ग्राम तोल रहा है, तो ये किसी ग्राहक को पता नहीं चलेगा क्योंकि अंदर अंदर वो घोटाला किया है। ये जो अंदर अंदर घोटाला किया है इसके बारे में किसी ग्राहक को पता नहीं चलेगा, तो हम लोग को क्या लगा कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो अंदर अंदर कितना तोला, 900 ग्राम, तो वो सामान में लाभ कितना कमाया। तो हर विक्रेता से, हर ग्राहक से जब जब बेचा तब तब वो 100 ग्राम बचाते गया, तो 100 ग्राम बचाते बचाते वो लाभ के रूप में कितना परसेंट बचा लिया, तो लाभ के रूप में बचाया है 100 ग्राम बटा में 900 अगुने हो जाएगा 100, यानी कि ये डबल चल, ये डबल जीरो कटेगा, बराबर हो जाएगा 100 बटा में 9, तब हो जाएगा 11.1/9%, यही आंसर हो जाएगा 11.1/9%, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए अगला नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला, यही बेईमानी दुकानदार वाला है, लेकिन बेईमानी वाला में और थोड़ा सा ये बेईमानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है, व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी को 1200 दिखाता है, जो 1 केजी को 1200 दिखाता है, और वह अपने क्रयमूल पर भी 20% अधिक अंकित करता है, वह क्रयमूल पर भी 20% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए व्यापारी किस प्रकार का धूर्त है, अब क्या करता है कि तोलते समय जब जब वह तोल रहा है तो 200 ग्राम ज़्यादा उसको दिखा रहा है, यानी कि तोल रहा है 1000 ग्राम लेकिन दिखा रहा है 1200 ग्राम, यानी कि हर 1 किलोग्राम पर वह 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है, हर वह 1000 यानी कि 1000 ग्राम पर वह 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से वह तराजू सेट कर दिया है कि जब जब वह 1 केजी तोलता है तो वह 1200 ग्राम दिखाता है, यानी कि 1 केजी 200 ग्राम दिखाता है। और क्या किया था कि जो सामान खरीद के लाया था, खरीद के लाने के बाद उस पर 20% अधिक अंकित भी कर दिया था, तो अब कह रहा है कि उस व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या होगा। तो शुद्ध लाभ कहने का मतलब देखिए ना कि अब वह व्यक्ति अपने से तो 1000 ग्राम दे रहा है, वह व्यक्ति अपने से तो 1000 ग्राम दे रहा है लेकिन दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है 1200 ग्राम। बात को समझिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1200 ग्राम का ना पैसा देंगे उसको, जब आप पैसा दीजिएगा तो 1200 ग्राम का ना पैसा दीजिएगा, लेकिन सामान के रूप में आपको सामान कितना दिया, 1000 सामान दिया। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से तराजू का सेटे करके रखा था कि देगा 1000 ग्राम दिखाएगा 1200 ग्राम, तो हर केजी पर तो 200 ग्राम का फायदा ना कमाया, तो इस हिसाब से जो फायदा कमाया है तो साइड से इसका लाभ कितना हो रहा है, तो साइड से लाभ हो रहा है 200 बटा में 1000 और गुने में हो जाएगा 100। ठीक है, तो 200 बटा में 1000 गुने 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, 1 जीरो, यानी कि आधुनिक रूप से ये 20% कमा रहा है। बटखरे का यानी कि तरजुई का घोल मटोल करके ये व्यक्ति हर केजी पर 20% का लाभ कमा रहा है। और क्या ये किया कि जब ये अपना सामान खरीद के लाया था ना, तो सामान का जब मूल्य निर्धारित कर रहा था तो हर मूल्य पर 10% अधिक अंकित कर दिया था, तो उधर उधर 10% का लाभ कमा रहा है। तो अब देखिए 20% का तो घोल मटोल करके लाभ कमाया, यानी कि तरजुई में घोटाला करके 20% का लाभ कमाया, और 10% ये निरपक्ष रूप से अपना ही दाम पर अंकित मूल 10% अधिक अंकित करके जीता, तो क्या हो जाएगा प्लस 20 × 10 और बटा में हो जाएगा 100। यहाँ ये जीरो से ये जीरो खत्म, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और प्लस में 2, बराबर हो जाएगा 32%, यानी कि इसका शुद्ध जो लाभ हो रहा है, इसका शुद्ध जो खरीद बिक्री पर लाभ हो रहा है, बेचने पर इसको शुद्ध जो लाभ हो रहा है 32% का लाभ हो रहा है। तो आप लोग ऑप्शन में दिया है 32% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि एक व्यापारी
किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब देखिए ये व्यापारी कितना धूर्त टाइप का व्यापारी है, जितना में खरीद के लाया है उसमें भी कह रहा है कि 6% का हानि पर बेचेंगे। वो जितना में खरीद के लाया है, कितना में खरीद के लाया ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन अब वो दावा क्या कर रहा है कि हम बेचने के लिए इतना मतलब ईमानदार दुकानदार हैं कि हम जितना में खरीद के लाए हैं तो घाटा सहकर हम बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपया में खरीद के लाए थे तो उसमें 6% हम हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बटखरे के प्रयोग करता है, यानी कि बेचते समय वो 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग करता है, तो बताइए कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो अब बात को समझा जाए, जब वो दुकानदार था तो आगे क्या कह रहा है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उसमें 6% हानि पर बेचेंगे। तो देखिए वो दुकानदार क्या कर रहा है, देखावटी के लिए क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम, अब हम लोग अपने लिए सोचेंगे कि 1000 ग्राम दुकानदार अपने तरफ से 1000 रुपया में खरीदा होगा, 1000 ग्राम खरीदने में उसको 1000 रुपया लगा होगा, तो 1 ग्राम खरीदने में उसको कितना ग्राम लगा होगा, तो 1 ग्राम का वैल्यू बराबर, ये अपने से माना गया है कि माना कि 1000 ग्राम वो खरीदने में 1000 रुपया लगाया था, तो 1 ग्राम खरीदने में कितना रुपया लगाएगा, 1 रुपया लगाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अंदर अंदर वो क्या कह रहा है कि 1000 रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, 1 kg में हम 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन 6% हानि पर बेचेंगे। 6% हानि पर बेचने का मतलब है कि 1000 रुपया तो हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन आप लोग के लिए हम 6% हानि सहेंगे, तो 94/100 का मतलब ई का कह रहा है कि 940 रुपया में बेचेंगे। खरीदे हैं हम 1000 रुपया में, लेकिन बेचेंगे हम 940 रुपया में, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलिए ना कितना बढ़िया ईमानदार दुकानदार है, क्या कह रहा है कि 1000 रुपया का खरीदी चीज है और 940 रुपया बेचेंगे। यहां तक तो हम लोग को कुछ समय के लिए खुशी लगता है कि चलिए हम लोग को थोड़ा सा ईमानदार दुकानदार से भेंट हो गया, थोड़ा सा अपनापन ये दिखा रहा है कि बेचारा 60 रुपया अपने तरफ से घर ही से छूट दे रहा है, लेकिन वो देखिए अंदर अंदर क्या कह रहा है कि जब अंदर अंदर क्या कह रहा है कि अब उसका जो क्रय मूल्य पड़ रहा है ना, तो अब देखिए 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन वो अंदर अंदर 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग कर रहा है, तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 रुपया होगा ना। इसके हिसाब से जो आपको सामान दे रहा है तो उसके हिसाब से उसका क्रय मूल्य 900 रुपया ना है, फिर भी देखिए अंदर वो लाभ कितना रुपया कमा रहा है, तो अंदर वो लाभ कमा रहा है 40 रुपया का। ठीक है, अंदर रुपया में 40 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर 40 रुपया का लाभ कमा रहा है, कितना रुपया खर्चा करके, 900 रुपये ने खर्चा किया है। भले हम लोग को देखने में लग रहा है अरे ये तो बेचारा बहुत बड़ा बदरिया दिल वाला है, 1000 रुपया खर्चा किया है और हमको 940 रुपये में दे रहा है, लेकिन अब देखिए अंदर 900 रुपया को उसका क्रय मूल्य पड़ रहा है, तो अब पूछ रहा है कि तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो हो जाएगा 40/9% आ नहीं तो 9 × 36 = 40, 4.4/9 प्रतिशत यही आंसर हो जाएगा, तो 4.4/9% आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम का निर्धारित करेंगे, 1 ग्राम का निर्धारित करने से ये पता चलेगा ना कि जो बेचने के लिए जो तय कर रहा है अपना कि हम 900 ग्राम देंगे, तो 900 ग्राम तय किया है, तो 900 रुपया ने उसको अपने घर से इन्वेस्टमेंट किया, उसका घर का जो लागत मूल्य लगा 900 रुपया लगा ना, लेकिन हम लोग को देखने से क्या लग रहा है कि 1000 रुपया में बेचारा खरीद के लाया था और 940 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 940 रुपये में नहीं बेच रहा है, 940 रुपया तो बेच रहा है, लेकिन उसका खरीदी दाम अब जो पड़ रहा है नया जो क्रय मूल्य उसका पड़ जा रहा है, नया क्रय मूल्य 900 रुपया पड़ जा रहा है, तो अब ये अंदर अंदर लाभ कमा रहा है 40 रुपया का, और तब हमको पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसी प्रकार से और क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी
एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg बटखरे के स्थान पर यानी कि 1 kg 1 kg के स्थान पर 840 ग्राम बट का प्रयोग करता है, तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि पूरा बेचने के प्रक्रिया में उसको पूरा प्रक्रिया में जो लाभ होगा ना, तो प्रतिशत में कितना होगा। तो ये वाला भी देखिए, देखने से लग रहा है कि बेचारा कितना बढ़िया आदमी है, बोल रहा है कि हम जितना में भी खरीदे हैं ना उसमें हम 4% हानि उठाकर आपको बेचेंगे। वो कह रहा है कि जितना में भी हम खरीदे हैं उसमें 4% हानि लेकर बेचेंगे। तो जब भी इस प्रकार का आए ना, तो क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ई व्यक्ति 1000 ग्राम कितना में खरीदा था, 1000 रुपया में खरीदा था, यानी कि 1 ग्राम का वैल्यू बराबर 1 रुपया क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का वैल्यू बराबर 1 रुपया। फिर भी हम लोग यहाँ से देखने से लग रहा है कि वो तो बेचारा 1000 ग्राम खरीदा है 1000 रुपया में, लेकिन ई क्या कह रहा है, ई विक्रय मूल्य अपना क्या सेट कर रहा है कि हम आपको जो बेचेंगे ना, आपको जब हम बेचेंगे ना 4% का हानि पर बेचेंगे। तो हम लोग को लग रहा है कि 1000 रुपया में बेचारा खरीदा था और 4% का हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 96/100 में बेचा होगा। ये 00 से ये 00 कट जाएगा, कितना में बेचा, 960 रुपया में, ठीक है। ये बेचा कितना में, 960 रुपया में। तो हम लोग को लगा कि अरे 1000 रुपये में खरीदा है और 960 रुपये में बेचने का दावा करता है, यानी कि 40 रुपये तो बेचारा घर से घाटा सह रहा है। लेकिन अब देखिए ई का सेट कर दिया है, अंदर अंदर इसका नए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नए वाला क्रय मूल्य क्या कर रहा है ना, 1000 ग्राम नहीं तोल रहा है, 1000 ग्राम के जगह पर 840 ग्राम तोल रहा है। तो 1 ग्राम का वैल्यू बराबर 1 रुपया, तो 840 ग्राम का वैल्यू बराबर 840 रुपया। तो अब देखिए उसका फायदा कमा रहा है। अब इसके हिसाब से 960 रुपये में तो दिखा रहा है कि हम बेचेंगे 960 रुपये में, लेकिन उसका नए का जो क्रय मूल्य पड़ रहा है 840 रुपये में पड़ रहा है। और तब देखेंगे कि लाभ के रूप में कितना रुपये कमा रहा है, इसका जो लाभ हो रहा है तो लाभ के रूप में कितना कमा रहा है, तो लाभ के रूप में 120 रुपये कमा रहा है। फिर भी देखिए इतना दूरतई करने के बाद ग्राहक को भी कुछ समय के लिए लगेगा कि बेचारा बहुत ईमानदार टाइप का व्यक्ति है, चाहे इसके पास से लेने से हमको फायदा होगा, फायदा नहीं हो रहा है। ये अंधुन के अंधुन क्या कर रहा है कि बटखरे में घोटाला कर रहा है, ये बेईमानी क्या कर रहा है कि बटखरे में कुछ बेईमानी कर रहा है। तो बटखरे का बेईमानी क्या कर रहा है, देना चाहिए था 1000 ग्राम, वो दे रहा है 840 ग्राम, और जबकि 1000 ग्राम यानी कि 1 ग्राम का वैल्यू बराबर 1 रुपया है, 840 ग्राम जब वो अपना सेट किया है 840 रुपये में दे रहा है। तो लाभ कितना कमाया, तो लाभ के रूप में 120 रुपये कमाया। तो वो पूछ रहा है कि तो बताइए इस दुकानदार को जो लाभ होगा प्रतिशत में लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत में लाभ होगा 120, यानी कि 120 रुपये का लाभ कमाया। तो कितना रुपया सेट करके कमाया है, 840 रुपया ना, इसका नए का जो क्रय मूल्य है 840 रुपया ना है, 840 × 100 यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार में हो जाएगा 100/7, यानी कि 100/7%, और नहीं तो अगर इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 14/2/7 यही आंसर हो जाएगा। तो 14/2/7 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो आज के पार्ट में जो हम लोग को बेईमान व्यापारी वाला प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछता है, बेईमान व्यापारी वाला बार बार हमसे रिपीट में क्वेश्चन करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पार्ट नंबर 1 में लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2 में इसी के जैसा क्वेश्चन, इसी का रिपीटेशन में क्वेश्चन आप लोग को अगला पार्ट में मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाभ का मान दिया रहेगा, तो पूछेगा कि 1000 ग्राम पर कितना ग्राम का वो तोल रहा है। तो दूसरा का वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।